कौन है? यहां तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहां से आई? फोटो यहां भी नहीं है, कहीं और देखना पड़ेगा। चलो शुक्र है वो फोटो अभी तक किसी के हाथ में नहीं लगी। कृष्णा, तानिया आओ। क्या हुआ पुत्र? तुम दोनों की शादी का पहला कार्ड गणेश जी को चढ़ाया, आशीर्वाद लो ना उनसे। के कार्ड बांटना शुरू कर दीजिए, कितना कम टाइम बचा है और कितने सारे काम करने। आंटी, ज्यादा ज्वेलरी पहनाने से कोई फायदा नहीं, हमारे जीजू तो वैसे ही तृष्णा पर फिदा है। बिल्कुल ठीक कह रही है तू, हमारी तृष्णा बहुत लकी है कि उसे राजदीप जैसा जीवन साथी मिला है। तुम लोग नजर मत लगाना। हाँ। ये ले बेटा, काला टीका लगा देती हूँ, तुझे किसी की नजर नहीं लगेगी। अरे तानिया बेटा, अरे लड़कियों, लो तानिया को ये नेकलेस भी पहनाओ ना, मैचिंग है। आंटी, तानिया को भी तो हमारे जीजू बहुत चाहते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? राज के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, उसके जैसा इंसान तो ढूंढने से ही नहीं मिलेगा। अच्छा आंटी, एक बात बताइए कि हमारे दोनों जीजू में से कौन से जीजू ज्यादा अच्छे हैं? लो ये भी कोई बात हुई? अरे दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। ये कोई जवाब हुआ आंटी? आपको बताना ही पड़ेगा दोनों जीजू में से कौन से अच्छे हैं। राजदीप लाखों में एक है, और राजदीप और तृष्णा की जोड़ी लाखों में एक है।
और राज, राज जैसा तो कोई नहीं। और राज और तानिया की जोड़ी जैसे शिव और पार्वती की जोड़ी, दोनों को किसी की नजर ना लगे, दोनों सगी बहनें ही नहीं अब देवरानी और जिठानी भी हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि दुनिया की हर खुशी इन दोनों को मिल जाए। अरे तुम लड़कियां यहाँ पर क्या कर रही हो? हल्दी और चूड़ी की रस्म पूरी करनी है, चलो बाहर सब वेट करें। जाओ लड़कियों, तानिया और कृष्णा को भी लेकर जाओ। ठीक है आंटी। चलिए तानिया जी, शादी की रस्म भी तो पूरी करनी है, तुम्हें हल्दी भी तो लगानी है। चलिए आप भी तो चलिए, आपको भी तो हल्दी लगानी है। नहीं आप जाइए, मुझे माँ से कुछ बात करनी है। अरे बिल्कुल ठीक कह रही है, अरे कुछ ही दिनों की तो मेहमान है, फिर ही अपने ससुराल चली जाएगी, अपनी माँ से कुछ बातें करने दोगी या नहीं? जाओ अकेला छोड़ दो इसे। क्या बात है बेटा? वही बात माँ जो अभी आप कह रही थी। क्या? राज के बारे में माँ, कि वो कितना अच्छा इंसान है, उसके जैसा इंसान पूरी दुनिया में नहीं। आप कैसे भूल सकती है माँ कि वही राज है जिससे मैं शादी करना चाहती थी। उस वक्त तो इसमें आपको सारी बुराइयां नजर आती थी ना माँ, बात बात में उसकी बेइज्जती करती थी, फिर अब वही राज तान्या के लिए अच्छा कैसे हो गया माँ? अरे चूड़े की रस्म कौन पूरी करेगा? ये पूरी करेंगे, ये मेरे दूर के रिश्ते में भाई लगते हैं, लड़कियों के मामा जी। अरे दूसरी लड़की तो दिखाई नहीं दे रही है। आंटी जी ये लो, आ गई तृष्णा। चलिए कृष्णा जी, आपने आने में बहुत देर कर दी। लड़कियों एक कलीरे कृष्णा और तानिया के हाथों में बांध दो, मैं जरा भी आई। अगर दुल्हन के कलीरे जिसके सर पर गिरेंगे ना, उसकी शादी सबसे पहले होगी। बताओ किसे पहले शादी करनी है,
जिस पे दुल्हन ने पहले कलीरे गिराए उसकी शादी पहले होगी। तानिया से शुरू करते हैं। ये क्या हो गया? ची, बैड लक। अरे चल तू आ जा। अरे नहीं 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 दी, मुझे अपनी शादी की कोई जल्दी नहीं है। हाँ हाँ अब तृष्णा की बारी है। चलो 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 चलो। आप इतनी रेस्टलेस क्यों हो रही है? आप कृष्णा को तंग करना भी बंद कीजिए। अरे ये थाली तो उठाकर पीछे रख दो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि नूपुर मल्होत्रा जैसी इतनी बड़ी टाइकून अपने बेटे राजदीप की शादी तृष्णा से करने के लिए कैसे तैयार हो गई। राजदीप, तृष्णा, राज और तानिया, ये कैसे हो सकता है? तृष्णा और राज तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर ये कैसे? नूपुर मल्होत्रा से रिश्ता जोड़कर मिस्टर कोहली ने सचमुच अपने आप को एक हाई प्रोफाइल फैमिली में खड़ा कर दिया। बेटे, हम इस शादी में जरूर जाएंगे। जी पापा। अच्छा तानिया, एक बात बता, तूने ऐसा क्या जादू कर दिया जीजू पे जो तेरे पीछे ही पड़ गए? यार हमें भी बताओ ये राज, हम भी किसी पे ट्राई करेंगे। आखिर हमें भी तो जल्दी शादी करनी है, हमारी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है। शादी पे जीजू के बहुत सारे दोस्त आएंगे, उनमें से किसी पे ट्राई कर लेना, कोई ना कोई तो देख ही लेगा तेरी तरफ। बेटियां तो पराया धन होती हैं, एक ना एक दिन उन्हें अपने घर जाना ही होता है। हमें भी कन्यादान करना पड़ेगा अपनी बेटियों का। और हमारा घर सुना सुना हो जाएगा। ये तो दुनिया की रीत है जी। लो अब तुम दोनों इसमें से एक एक मिठाई उठाओ। अरे उठाओ ना। तुमने बर्फी उठाई है ना, तुम्हें भगवान एक प्यारी सी बेटी देगा। और तुमने लड्डू उठाया ना, तुम्हें भगवान एक प्यारा सा बेटा देगा। लड़के की माँ आके बच्चे को सहारा बनाए।
परवानगी का समय हो चुका है। कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। जब हो रही है तो हमें क्या करना है? खुश होना है कि दुखी होना है? मेरी प्यारी और इनोसेंट बेबी, शादी हो रही है, कोई नहीं है।